दिल्ली के रोहड़ी कोर्ट में हुई कल घटना के बाद प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अलर्ट जारी किया गया है और हर एक आने जाने वाले पर खास निगाह रखी जा रही है, खास सिक्योरिटी रखी गई है, क्योंकि कल की घटना के बाद से प्रयागराज में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट को अलर्ट को जारी करके उसको भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देखिए काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ कोविड 19 जो गाइडलाइन है उसके अनुसार भी चेक किया जा रहा है, प्लस पुलिस सारे लोगों को चेक कर रही है, कौन आ रहा है, उनका कार्ड है कि नहीं, उन सारे लोगों की निगाह रखी जा रही है, हर एक का कार्ड देखकर ही एंट्री दी जा रही है। उसके लिए आप सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ पहले से सिक्योरिटी में अलर्ट है, साथ ही प्रयागराज की पुलिस भी इस को भी लगाया गया है, काफ़ी सक्षम जवानों को लगाया गया है और ये लोग हर आने जाने वाले गेट के एंट्री जो हाईकोर्ट के अंदर गेट के एंट्री है उनके जाने वालों पर निगाह रख रहे हैं और उनके चेक कर रहे हैं, बाकायदा सिक्योरिटी पर्पज से चेक कर रहे हैं और हर आने जाने वालों पर बिना चेकिंग के किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कल की घटना के बाद से जो कई वकील या अधिवक्ता उनको भी नाराज़गी है कि इस तरह की घटना बहुत अच्छी बात नहीं है और सिक्योरिटी को लेकर हमेशा से अधिवक्ताओं ने भी कई डिमांड्स करी है। वकील साहब, कल की जो घटना हुई है क्या कहेंगे उस पर? निसंदेह कल की घटना जो है अत्यंत दुखद है। जिला स्तर पे चाहे माननीय न्यायालय के स्तर पर जिस तरह से जो है, विशेष बात यह है कि एडवोकेट का की जो ड्रेस है वो लोग पहन करके कोई भी व्यक्ति घुस जाता है और इस बात पे कोई इस तरह की कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, इसमें इस चीज़ को जो है स्कैनिंग करके विशेष तरह से देखा जाना चाहिए, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय के तहत हो या किसी भी तहसील स्तर पे हो, न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था पे विशेष तौर से प्रवेश के दौरान, और ये अत्यधिक दुखद घटना है कि कोर्ट के परिसर में कोर्ट के अंदर ये घुसी है, इस चीज़ पे जो है बिना स्कैनिंग किए, बिना विशेष ध्यान दिए, बिना फिंगरप्रिंट लिए अंदर जाने नहीं दिया जाना चाहिए। यानी ये वकील साहब का अधिवक्ता जी का ठीक साफ कहना है कि बिना किसी को जांच किए या अधिवक्ता के कागजात को देखे या उसका कार्ड को देखे, क्योंकि कोई भी शख्सियत काला ड्रेस पहनकर अंदर घुस सकता है, इसलिए पूरी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। आप बता दें हम प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट गेट नंबर 1 पर खड़े हैं हम लोग, जहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की जाती है और यहाँ पर पहले से ही सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन कल की घटना के बाद से यहाँ पर और सिक्योरिटी टाइट कर दी, हर आने जाने वालों पर खास निगाह रख कर उनको चेक किया जा रहा है ताकि दिल्ली जैसी घटना प्रयागराज में से भी सामने ना आए, इसलिए सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आनंद राज, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज।